लास्ट टाइम कितना तक करे थे हम लोग देख लेते हैं एक बार। सर एलगी से पढ़ाना था। एलगी पढ़ना था ना हम लोग को। यस यहाँ तक करे थे हम लोग लास्ट क्लास में ना। यस ठीक है सर। चलो कुछ ब्रीफली हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद एलगी की बात है। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। क्या होगा जी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई, क्या हो जाएगा? हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉफिक। ओके हेटरोट्रॉफिक। ठीक है नेक्स्ट, व्हाट इज व्हाट आर फंजाई। फंजाई है क्या? यूनिसेलुलर। ओके सो नॉट यूनिसेलुलर। फिलामेंटस भी नहीं लिखेंगे। यूकैरियोटिक। लूजली अरेंज्ड है ना, लूजली अरेंज्ड मल्टी सेलुलर यूकैरियोट ग्रोइंग इन डार्क। ये आंसर होना है फंजाई का। ठीक है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई। आप लोग को नहीं करना है ये, है ना, आप लोग का लेवल का नहीं है। जो डिस्क्राइब करना चाहते तो डिस्क्राइब ना करें आप लोग अपने लेवल पे भी, बस नाम बता दे तीन चार प्रकार का। ठीक ना, दैट इज फाइकोमाइसिटिस। नहीं जरूरी है फाइकोमाइसिटिस, देन एस्कोमाइसिटिस। बेसिडियोमाइसिटिस। एंड ड्यूटीरोमाइसिटिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई ना, फंजाई का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें हाइफी होता है, ठीक है, माइसिलियम होता है, सेल वॉल काइटिन से बना हुआ रहता है। फिनिश, इतना काफी है। आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, दैट इज एल्गी। एल्गी प्लांट किंगडम के अंदर आता है, ठीक ना, इट्स अ ग्रुप ऑफ प्लांट, लोअर प्लांट बोल सकते हैं, है ना, ज्यादातर पानी में ग्रो करता है। मल्टी सेलुलर भी होता है, यूनिसेलुलर भी होता है, सेल वॉल इसका बना हुआ रहता है सेलुलोज से, है ना, पेक्टीन से। ओके, और भी कुछ कुछ मटेरियल होते हैं जो जेली लाइक रहते हैं, जेली टाइप का मटेरियल रहते हैं जिसका, जिससे इसका सेल वॉल बना हुआ रहता है। आप जेली बेली खाए होंगे, लूज रहता है ना, सेमी सॉलिड टाइप, है ना, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ एल्गी। फिलामेंटस हो सकते हैं, ब्रांच्ड होंगे, फिलामेंटस कहने का मतलब रस्सी का तरह। ओके, मल्टी सेलर होंगे, यूनिसेलर भी होंगे, कॉलोनी में रहेंगे। कॉलोनी कहने का मतलब एक साथ बहुत एल्गी ग्रुप में रहना। यूकैरियोट्स हैं, दे आर ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक कहने का मतलब होता है दे कैन प्रिपेयर फूड बाय इट्स ओन, दे कैन प्रिपेयर फूड बाय इट्स ओन। जैसे कि मैंने कहा एल्गी बिलोंग्स टू किंगडम प्लांटी, तो प्लांट के पास फोटोसिंथेसिस करने की टेंडेंसी होती है, इसलिए यहाँ पे मेंशन करा गया है दे आर ऑटोट्रॉफिक। दे आर नॉन वास्कुलर थैलोफाइट। नॉन वास्कुलर कहने का मतलब एब्सेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम।
ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम, इसके पास जाइलम फ्लोएम नहीं रहेंगे. कैन यू टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम? प्लांट में जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है, बता सकते हो? सर जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है. वेरी गुड, वेरी गुड. वाटर ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम. एंड व्हाट अबाउट फ्लोएम? फूड ट्रांसपोर्ट. फाइन, ठीक है. तो इसके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं रहेगा. रीजन ये भी है, जाइलम फ्लोएम तो चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए ना, बहुत दूर दूर तक. तो प्लांट ही इतना छोटा है ना, बहुत छोटा प्लांट है, तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती ही नहीं है इसके अंदर, इसीलिए जाइलम और फ्लोएम इसके पास नहीं है. करेक्ट? समझे? समझे? ओके, फाइन, आगे बढ़ते हैं. द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी. ये इतना बड़े नहीं है. एल्गी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये भी सही नहीं है. सभी जगह एल्गी नहीं पाया जाता. किचन में एल्गी नहीं है, डार्क कंडीशन में एल्गी नहीं है, है ना. एल्गी फाउंड ऑलमोस्ट इन एवरी वॉटर, ये ज्यादा सही रहेगा, है ना. ये स्टेटमेंट यदि लिखा रहता तो ये ज्यादा सही रहता, ठीक है. एवरी वॉटर बॉडी, ये ज्यादा सही रहेगा, है ना, ये ज्यादा सही है. स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है. स्टार्च के फॉर्म में भोजन को स्टोर करता है. जैसे कि हम लोग चावल बनाते हैं, चावल से भात बनाते हैं ना, तो कभी कभी उसमें से एक फ्लूड निकलता है, व्हाइट कलर का फ्लूड, मार जिसको कहते हैं, है ना, दैट इज स्टार्च. फाइन, दैट इज स्टार्च. गम स्टिकी फॉर्म में रहता है. सो एल्गी का एल्गी के फॉर्म्स बता रहे हैं, मल्टी सेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी, ठीक ना. यूनिसेलुलर एल्गी कहने का मतलब एक सेल से बना हुआ है. क्लामाइडोमोनास डायटम्स को भी एल्गी के अंदर रखा गया है. हायर क्लासेस में जाओगे तो पता चलेगा दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन एल्गी, ठीक ना. इसका एक अलग ही ग्रुप है. मल्टी सेलुलर एल्गी का एग्जाम्पल हो जाएगा फ्यूकस पॉलिसिफोनिया, केल्प. केल्प आप नेट जियो देखे होंगे, केल्प का मतलब समझा रहे हैं यहाँ पे. आप नेट जियो या फिर डिस्कवरी देखी होंगी, समुद्र में डाइवर्स लोग जाते हैं, ठीक ना, एक्वाटिक एनवायरमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए, है ना. तो देखे होंगे पानी में रिबन शेप का कुछ प्लांट उगा हुआ रहता है, पानी में रिबन शेप का तरह, रिबन की तरह हरा कलर का कुछ पौधा उगा हुआ रहता है, ठीक ना. दैट रिबन शेप, ओके, लॉन्ग प्लांट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड केल्प, उसको केल्प कहते हैं. फाइन, देखे होंगे नेट जियो में या डिस्कवरी में आपने ऑब्जर्व करा होगा समुद्र के अंदर, है ना. कॉलोनियल में वॉल बॉक्स शोकर शेप में रहता है, ये रहा वॉल बॉक्स, दिस इज वॉल बॉक्स. के मल्टी सेलर फिलामेंटस, स्पायरोगेरा, नोस्टॉक, एनेबेना, दे आर मल्टी सेलर एंड फिलामेंटस. ये रहा नोस्टॉक, देखो यहाँ पे नोस्टॉक का स्ट्रक्चर दिया हुआ है. क्लामाइडोमोनास इट इज सिंगल सेलर, दिस इज कॉलोनियल वॉल बॉक्स. स्पायरोगेरा मल्टी सेलर है. ऑसिलेटेरिया फ्यूकस दे आर मल्टी सेलर. फाइन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं टिक कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है. यूनिसेलर में आपको क्लामाइडोमोनास देना है, ठीक है. केल्प इज इंपॉर्टेंट इन मल्टी सेलर. फिलामेंटस में दिस इज स्पायरोगेरा, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना. नोस्टॉक, एनाबेना, दे आर नॉट एल्गी, दे आर ब्लू ग्रीन एल्गी, ये बैक्टीरिया है. खैर, आप लोग इतना क्लासिफिकेशन तो नहीं कर पाओगे, तो जो लिखा है बुकलेट में वो भी कर सकते हो, नो इश्यू, गलत नहीं माना जाएगा आप लोग का लेवल तक. फाइन, एल्गी भी तीन प्रकार के होते हैं, बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, एल्गी इज ऑफ थ्री टाइप्स, ठीक है ना. ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी. ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट ट्रू एल्गी, दिस इज एक्चुअली बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर आता है ये, है ना. और चूंकि प्रॉपर्टी शो करता है एल्गी के साथ, इसीलिए इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा गया है, बट दे आर नॉट ट्रू बैक्टीरिया. फाइन, ओके. ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये यूकैरियोट के अंदर नहीं आता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है. सो बेसिकली
एल्गी को तीन ग्रुप में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन इट, है ना। जैसे कि ग्रीन एल्गी सबसे पुराना है, फॉलोड बाय ब्राउन एल्गी एंड द मोस्ट एडवांस्ड इज द रेड एल्गी। रेड एल्गी डीप इन साइड द सी पाया जाता है। इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, मेडिसिंस बनाने में काम आता है, जैसे कि क्लोरेला है, क्लोरेला से एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है। इंडस्ट्री में दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट नंबर टू, ठीक ना। अगर अगर एक सफ्टांस है, उस सफ्टांस से जेली बनता है, जेली जेली खाते हो ना आप लोग, एक रुपए का आता है जेली बेली, है ना, जेली, ओके, दैट इज obtained from, that is jelly is made up of agar agar and agar agar obtained from Gelidium and Gracilaria. ये दो एल्गी का नाम है, रेड एल्गी का नाम है, ग्रासिलेरिया है, जिलीडियम है ना। ग्रासिलेरिया ग्रासिलेरिया और जिलीडियम को हार्वेस्ट किया जाता है डीप इनसाइड द सीड से, है ना। उसमें से अगर अगर को ऑप्टेन करा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, निकाला जाता है और उसको कमर्शियली सप्लाई किया जाता है। 20,000 रुपए किलो है, है ना, लेबोरेटरी में इस्तेमाल किया जाता है, बायोलॉजी लेबोरेटरी में, बायोलैब में इस्तेमाल किया जाता है, कल्चर प्लेट बनाने के लिए, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में भी इस्तेमाल होता है इसका, ठीक ना, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है इसका, फाइन। ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े। हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नोस्टोक, एनाबेना, ऑसिलेटेरिया, प्लैक्टोनेमा, दीज आर, ये जो लिखा गया ना, दिस इज ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके, क्या ब्लू ग्रीन एल्गी है। नोस्टोक, एनाबेना, अलोसेरा, ये इंपॉर्टेंट है, खास करके ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग के लेवल पे ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेस्ट यू कैन फॉरगेट, नो इश्यू, ठीक है। नोस्टोक, एनाबेना, ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं खेतों में, नाइट्रोजन अवेलेबल करवाते हैं पौधों के लिए, फाइन। ऐसे मैन्योर, मैन्योर कहने का मतलब खाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है सरगासम का, बस इसका याद रखेंगे, सरगासम, है ना। सरगासम क्या होता है, एल्गी है, ये मर जाता है, ठीक ना, मरने के बाद ये सड़ जाता है, सड़ने के बाद एक प्रकार का मैन्योर बनाता है ना, जिसको हम लोग पीट कहते हैं, ओके। इस पीट को तो हम जला सकते हैं, पहले जलाएंगे, ठीक ना, जलने के बाद इसका राख बचेगा, वो भी हम लोग खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पीट को छोटे छोटे पीसेस में डाल के पाउडर में कन्वर्ट करके खेतों में डाल सकते हैं, सो मैन्योर, फाइन। सो मैन्योर के तौर पे सरगेसम का इस्तेमाल कर किया जाता है, ठीक ना। फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यूल्वा, कॉन्ड्रस, लैमिनेरिया, पोरफायरा, क्लोरेला, स्पायरुलिना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए जो एग्जाम में पूछेगा, दैट इज स्पायरुलिना, क्लोरेला, ठीक ना, दे आर कॉल्ड एज एस सी पी, स्टेन्स फॉर सिंगल सेल प्रोटीन, है ना। कहने का मतलब ये होते हैं माइक्रोस्कोपिक, छोटे छोटे होते हैं, है ना, इससे प्रोटीन हार्वेस्ट किया जाता है, कि प्रोटीन लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहता है इसके पास, तो इन सभी को स्पेस ट्रैवलर्स यूज करते हैं, स्पेस ट्रैवलर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, स्पेस मिले जाते हैं इसको खाने के लिए, है ना, प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है इसमें, सो आप लोग इन सभी को ओमिट कर सकते हो, ठीक ना। क्लोरेला और स्पायरुलिना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंगल सेल प्रोटीन भी कहा जाता है इनको, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी बता रहे, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या बताएं, इसमें कुछ खास है नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है ना, और कुछ नहीं है, ठीक ना। और हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, नोस्टोक, एनाबेना, ठीक है, दिस टू आर द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। हटाओ इसको, डायट टर्म्स जरूरी नहीं है,
ओके माइकोप्लाज्मा ये बता रहे हैं. माइकोप्लाज्मा इज कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ. ठीक ना, इट इज द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. It is the smallest microorganism. ठीक है, माइकोप्लाज्मा से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटा नहीं होता है. ठीक ना, दिस इज द स्मॉलेस्ट नॉन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ. इससे छोटा वायरस होता है. इन वायरस को हम लोग 100% लिविंग कंसिडर नहीं करते. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके. और कुछ बता रहे हैं हम माइकोप्लाज्मा में, वही याद रखेंगे आप लोग, बाकी सब भूल जाएंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक ना, सेल वॉल नहीं है, हैज नो सेल वॉल. सेल वॉल नहीं है इसके पास. रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक है. Resistant to antibiotic. ठीक है, एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है ये. प्लीमॉर्फिक शेप, हैज नो प्रॉपर शेप. ठीक है, प्रॉपर शेप नहीं है इसके पास. ये सब कुछ प्रॉपर्टी हो गए माइकोप्लाज्मा के. रिकेट्स भी नहीं पढ़ना है, हटाइए. माइकोप्लाज्मा पैरासिटिक होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं. ये डिजीज कर सकता है प्लांट को भी और एनिमल को भी, है ना. एनिमल प्लांट दोनों को डिजीज कॉज कर सकता है. ठीक है, देखो रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पेनिसिलिन, वैक्यूमाइसिन, सिफेलोस, सिडीन को भाव नहीं देता, मतलब उसे मरता नहीं है. कहने का मतलब यही है, बाकी सब हटा, इम्पोर्टेंट नहीं है. सो माइकोप्लाज्मा से जो जो चीज इम्पोर्टेंट है फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, है ना. इट लैक्स सेल वॉल, इसके पास कोई सेल वॉल नहीं है. सेल वॉल नहीं है, और रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, खास करके पेनिसिलिन, ये इम्पोर्टेंट है. ठीक ना, ये इम्पोर्टेंट है ये. फाइन, ये. और इसके पास कोई शेप नहीं है. इट हैज नो प्रॉपर शेप. ठीक है, प्रॉपर शेप नहीं है इसके पास. ये इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी यू कैन फॉरगेट, नो इशू. ठीक है, याद नहीं भी करोगे तो चलेगा. माइकोप्लाज्मा से इतना काफी है. ठीक है, हटाइए, आगे बढ़ते हैं प्रोटोजोअन पे. ठीक है, प्रोटोजोन्स भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं. दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. इट इज अ ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट. है ना, यूनिसेलर यूकैरियोट के ग्रुप होते हैं ये. फाइन, ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिसेलर यूकैरियोट पानी में पाए जाते हैं, मोस्ट सोइल में. ठीक ना, एनिमल के अंदर भी पाया जाता है, हमारे अंदर भी पाया जाता है प्रोटोजोन्स. मलेरिया हुआ है किसी को आप लोग में से? मलेरिया होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटोजोआ. प्लास्मोडियम प्रोटोजोआ के चलते होता है मलेरिया. प्लास्मोडियम प्रोटोजोआ के चलते होता है मलेरिया. ठीक है, फ्री लिविंग होते हैं. फ्री लिविंग कहने का मतलब सोइल में प्रेजेंट है. ये रहा जमीन, धरती. ठीक ना, इसमें कहीं कहीं प्रेजेंट है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. दैट इज कॉल्ड फ्री लिविंग. सिम्बायोटिक और पैरासिटिक. सिम्बायोटिक कहने का मतलब किसी के साथ एसोसिएट होके, है ना, किसी के साथ रह के जीवित रहना. पैरासिटिक कहने का मतलब होस्ट अंदर जाके जीवित रहना, होस्ट को नुकसान पहुंचाना और खुद का फायदा होना. ठीक है, दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड पैरासिटिज्म. फाइन,
नेक्स्ट क्या है, साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, हटाओ, साइज इंपॉर्टेंट नहीं है. दे आर फाउंड इन इरेगुलर शेप लाइक लीफ लाइक इलोंगेटेड, खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. लोकोमोशन, ठीक ना, लोकोमोशन सीडोपोडिया से होता है, जैसे इसमें होता है, एम्यूबा में होता है ना, सीडोपोडिया से, ठीक ना. प्रोटोजोअन डिजीज कॉज करते हैं आदमी में, जानवर दूसरे जानवर में भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है. यूग्लिना एक इम्पोर्टेंट है ना, प्रोटोजोआ जिसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है ना, यूग्लिना फोटोसिंथेसिस कर सकता है, एमीबा, ठीक है, सीडोपोडिया से लोकोमोशन करता है तो पता ही होगा. फाइन, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, यूग्लिना के पास फ्लैजिला है, देखो ये रहा यूग्लिना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं फ्लैजिला. ओके, दिस फ्लैजिला पार्टिसिपेट्स इन मूवमेंट, ठीक है ना, मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं. पैरामीशियम के पास सीलिया होते हैं, ये रहा पैरामीशियम, इसके पास जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड सीलिया. ओके, सीलिया छोटा छोटा होता है और न्यूमरस होता है, छोटा छोटा होता है, न्यूमरस होता है ना, स्मॉल बट न्यूमरस. फाइन, फ्लैजिला क्या है, वन बट इलोंगेटेड, ठीक है, वन बट इलोंगेटेड बट लॉन्ग, एक रहेगा लेकिन लंबा रहना है, ठीक है. इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ, इम्पोर्टेंस दे हेल्प इन द फाइनल डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट, ये एक इम्पोर्टेंट है, हटाइए और कुछ नहीं, ठीक है. रिसर्च पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है और इन्वायरमेंट में इसका फंक्शन ये है कि किसी भी चीज को सड़ाने गलाने में मदद करे. ट्रिपैनोसोमा ये इम्पोर्टेंट है, इट कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करता है, ये इतना याद रखेंगे बस. ठीक है, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, अभी पीछे जाएं आप लोग और वहां से पढ़ के आए, जो डाउट होगा पूछेंगे. आप लोग के पास बुकलेट है ये? यस सर. ओके, चलिए यहाँ तक एक बार पढ़िए आप और क्वेश्चन पूछिए, यहाँ तक पढ़िए और क्वेश्चन पूछिए, हम आपको कुछ समय दे रहे हैं. आज का लेक्चर जहाँ से स्टार्ट हुआ है एक बार रीड करें, और जो टर्म समझ में ना आ रहा हो वो पूछे, और जो मैं बोला हूँ नहीं पढ़ना है उससे सवाल नहीं करेंगे, करेंगे तो बता दूंगा, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है. योर विश, इफ यू वांट टू आस्क फ्रॉम दैट आल्सो आई विल गिव द रिप्लाई, नो इशू. आई एम गिविंग यू सम टाइम. Go through that lines and ask the question. Thank you.
पूछेंगे पूछेंगे, पढ़े और पूछें। सर जेलीफिश किससे बनता है? जेलीफिश? यस सर, एक फिश है। तो जेलीफिश इज अ नेम ऑफ फिश। जेलीफिश इज अ नेम ऑफ फिश। ओके सर। सर फॉर्म्स ऑफ एल्गी मल्टी सेलुलर निडेरिया ग्रुप में आता है, ठीक ना? इट्स अ टाइप ऑफ फिश बट नॉट ट्रू फिश, ठीक ना? सेम मैंने फिश नहीं होते, वो निडेरियंस होते हैं, है ना? कहने का मतलब कि उनका चाल चलन जो होता है ना मछली का तरह होता है, ठीक ना? और जेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत नरम स्ट्रक्चर होते हैं, इसीलिए उसको जेली फिश कहा गया है। जैसे मछली होती है ना, गिल्स रहता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी रहता है, उसका तरह नहीं होते हैं वो, दे आर एंटायरली डिफरेंट, है ना? मछली बस उसके चलने के बेसिस पे, ठीक ना, तैरते हैं पानी में, इसी बेसिस पे उसको मछली कहा गया। सही मायने में वो मछली है नहीं, इट्स नॉट ट्रू फिश, है ना? जेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब बहुत नरम बॉडी रहता है उसका, ठीक है? हाँ बोलो। हाँ बोलेंगी। सर फॉर्म्स ऑफ एल्गी में मल्टी सेलुलर में कि एक एल्गी है या ऐसी? स्पेलिंग बोलेंगे? KELP। केल्प, केल्प के बारे में बताया था ना, केल्प इज एक्चुअली ए ब्राउन एल्गी। केल्प ब्राउन एल्गी होता है, है ना? केल्प एक कॉमन नाम है जिसके अंदर बहुत सारा एल्गी आता है, रेड ब्राउन एल्गी आता है, माक्रोसिस्टिस आता है, एक्टोकार्पस आता है, ओके, लैमिनेरिया आता है, सर्गासम आता है, ये सब ग्रीन ब्राउन एल्गी है। इन सब को एक कॉमन नाम भी दिया गया है केल्प, है ना? समुद्र में पाए जाते हैं, लंबे लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, 100 मीटर तक लंबे होते हैं, रिबन शेप में होते हैं, उसको केल्प कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट पूछे। नेक्स्ट पूछे। पूछेंगे। वेरी गुड। सर PPLO का फुल फॉर्म? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा का पुराना नाम है PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लिखेंगे PLEURO, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म हम लिख रहे हैं आपके लिए। Thank you.
ठीक है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म लिख दे रहा हूं यहाँ पे, पीपीएलओ का फुल फॉर्म। ये होता है पीपीओलो का फुल फॉर्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और पूछेंगे लिख लेंगे अपने कॉपी में भी। Thank you.
कोई डाउट, कोई डाउट है? नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे. ओके देन आर मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है. Now harmful microorganism, microorganism is for microorganism देखते हैं जो कि हमारे लिए डिजीज कॉज करते हैं. ठीक है, हमारे दुश्मन है. ठीक है, सो लिस्ट डायरेक्ट आते हैं हम पॉइंट पे. कुछ कुछ डिजीज होते हैं जो पैथोजन द्वारा होता है. ठीक है, हम बता रहे हैं यहाँ पे जैसे ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, कॉलरा, टाइफॉइड, निमोनिया, डिप्टेरा. इतने बड़े नहीं है, इतने बड़े नहीं है, बाकी सभी बड़े हैं जितना टिक्के हैं. दे आर बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया से होता है. एथलीट्स फुट, रिंग वॉर्म, खुजली होता है. एथलीट्स फुट पैर के गासों में, पैर के उंगलियों में, ठीक ना, सफेद सफेद हो जाता है, सफेद सफेद सा स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसको हम लोग फंगल डिजीज कहते हैं. एथलीट्स फुट है ना, बरसात के समय में होता है. वायरसेस के द्वारा डिजीज कोस होने वाला कुछ लिस्ट है मेरे पास, जैसे एड्स है, कॉमन कोल्ड है, हेपेटाइटिस है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है ना, ये वायरल डिजीज है. प्रोटोजोअन से होने वाला डिजीज है डिसेंट्री, ट्रिपैनोसोमा से सिकल स्लीपिंग सिकनेस, इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, कालाजार है, मलेरिया है. सर कौन कौन से इम्पोर्टेंट एक बार और बता दीजिए. ठीक है, हम यहाँ पे टिक कर दे रहे हैं. सर स्क्रीन शेयर नहीं है. ओहो, इज इट, पिक मी डू, शेयर तो हो रहा है. अच्छा, सर हो रहा पर वो व्हाइट बोर्ड था. ठीक, नाउ इट इज विजिबल ना? यस सर. हाँ जी, इम्पोर्टेंट जो हम यहाँ पे टिक कर दे रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, कॉलरा, टाइफॉइड, निमोनिया, एथलीट्स फुट, रिंगवॉर्म, पोलियो, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, कॉमन कोल्ड,
पीच, डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, कालाजार, मलेरिया, है ना, ये सब इम्पोर्टेंट। सो डिप्टीरिया लेप्रोसी छोड़ के सब तो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, छोड़ेंगे नहीं, एक भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, प्लांट डिजीज, प्लांट में डिजीज होने वाला, साइट्रस कैंकर और हटाओ, बैक्टीरियल डिजीज है, साइट्रस कैंकर होता है इसमें नींबू में, फंगल डिजीज है, रस्ट ऑफ व्हीट, स्मॉट ऑफ व्हीट, ये इम्पोर्टेंट है, ब्लाइट ऑफ पोटैटो, दिस ऑल आर इम्पोर्टेंट, है ना, वायरसेस में हो जाएगा टोबैको मोजाइक वायरस, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कॉमन एनिमल डिजीज, एंथ्रेक्स ऑफ कैटल, ये इम्पोर्टेंट है, रानी खेत ऑफ बर्ड इम्पोर्टेंट है, फूड एंड माउथ ऑफ कैटल इम्पोर्टेंट है, आपको अगले सेशन में भी पढ़ना होगा। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, हटाइए हटाइए हटाइए। हाँ, फूड प्रिजर्वेशन इम्पोर्टेंट है, फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है बताते हैं, खाना को क्या करेंगे कि हम अपने भोजन को ज्यादा देर तक रख सकते हैं, ठीक ना, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज दैट वी कैन अप्लाई इन ऑर्डर टू कीप द फूड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो आप लोग क्या क्या करते हैं, आपके घरों में कौन सा स्ट्रेटजी अपनाया जाता है जिसके चलते भोजन लंबे समय तक रह सकता है, कुछ बता सकते हैं आप लोग, कुछ बता सकते हैं, कैन यू टेल मी गर्ल, क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाया जाता है ताकि भोजन ज्यादा समय तक रह सके घरों में। हाँ बोले, फ्रिज, फिर फाइल रैप करते थे, आप फाइन रैप करते हैं, हाँ ठीक है, फाइन, वेरी गुड, ठीक है, फ्रिज में रखते हैं, और कुछ स्ट्रेटजी है सर, और पता नहीं, और नहीं पता है, सुखाते हैं, ठीक है, सुखाते हैं हम लोग भोजन को, सुखा के रखते हैं, जैसे चना हो गया, ग्रेन्स हो गए, जितने भी ग्रेन्स होते हैं, दाल, चना, गेहूं, चावल, है ना, ये सबको सुखा के रखते हैं हम लोग ताकि इसमें कीड़े मकोड़े ना लगे। कुछ चीजों को हम लोग फ्रिज में डाल के रखते हैं, फ्रिज में डालने से क्या होता है, बैक्टीरिया का एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाता है, बैक्टीरिया एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं कर पाता है, है ना, तो ग्रो ही नहीं करेगा, इसलिए हमारा भोजन बहुत दिन तक रह सकता है। नमक डाल के रखते हैं हम लोग अचार में, देखे होंगे मम्मी क्या करती है, नमक डाल के रखती है, तेल डाल के रखती है, ठीक ना, किसी किसी में हाई शुगर कंटेंट रहता है, उसके चलते भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते हैं, है ना, किसी किसी फूड स्टफ को कैन में डाला जाता है, कैन में, ठीक है, ग्लास में, ग्लास का बोतल रहता है उसमें कैप लगा हुआ रहता है, एयर टाइट रहता है, टीना का कंटेनर रहता है उसमें एयर टाइट रहता है ना, जैसे रसगुल्ला हो गया, सुधा का मिठाई मेट हो गया, है ना, लैक्टोजन हो गया जो बच्चों का आता है दूध, ना वो सब कैंड रहता है, कैंड में, और हाँ इतना ही नहीं, आप माउंटेन ड्यू पिए होंगे या फिर रेड बुल होता है, ये सब कैन में पैक्ड रहता है, इससे क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको इन्वेड नहीं कर पाता है, नुकसान नहीं पहुंचा पाता है ना। ठीक है, ठीक है, यही सब है देखो तो, ठीक ना, यही सब चीजें हैं। The process of treating and handling food with the aim to stop or slow down the spoilage while maintaining its nutritional value, texture and flavor is called food preservation. Now, the main cause of spoiling of food is microorganism. Microorganism ही भोजन को सड़ाते हैं, गलाते हैं, है ना, तो microorganism को क्या करेंगे हम लोग, grow ही करने नहीं देंगे अपने भोजन पे, उसके लिए आपको या तो अपने भोजन को गर्म करना होगा या तो एकदम ही ठंडा करना होगा, है ना, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर रखेंगे तो उन लोग के लिए तो फायदा है, उन लोग के लिए अच्छा एक एनवायरमेंट मिल रहा है, अच्छा एनवायरमेंट मिल रहा है, वो अच्छा एनवायरमेंट का इस्तेमाल करेंगे और ग्रो कर जाएंगे। तो या तो टेम्परेचर एकदम हाई रखे या एकदम ही
वीक रखें, ठीक है, माइनस में रखें या जीरो डिग्री पे रखें, है ना, या फिर गर्म करें एकदम। दो स्ट्रैटेजी आपके पास। तो हम क्या करते हैं, कुछ कुछ चीजों के लिए गर्म रखते हैं एकदम, और कुछ कुछ चीजों के लिए ठंडा रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, है ना, फ्रिज में डाल देते हैं। तो फ्रिज में डालने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाता है, मर जाएगा और ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा। और देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, सेल्फ लाइफ इज द लेंथ ऑफ टाइम पीरियड मे बी स्टोर्ड सच द रिमेनिंग स्टेम, सब वही है जो बताए हैं, वही चीज लिखा हुआ है इसमें। दूध को हम लोग पैस्चराइजेशन करते हैं, पैस्चराइजेशन का मतलब होता है हाई हाई टेम्परेचर पे गर्म करना होता है, सडनली उसको ठंडा करना होता है, है ना, हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे सडनली कूल कर देंगे, बहुत ही कम समय के अंतराल में कम कर दिया जाता है। ये प्रोसेस दो तीन बार किया जाता है, इसको पैस्चराइजेशन कहते हैं, जिसके चलते होता क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चांस ही नहीं मिलता है कि अपने आप को सिचुएशन के अनुसार ढाल ले, है ना, और वो मर जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसलिए दूध ज्यादा दिन तक रह सकता है, ज्यादा दिन कहने का मतलब दो दिन मैक्सिमम से मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, ठीक ना, ठीक है। दूध जो भी हम लोग खरीदते हैं डेयरी से जो भी आता है वो दो दिन के अंदर कंज्यूम कर लेना होता है, नहीं तो फटने का चांसेस रहता है, क्योंकि उसके बाद बैक्टीरिया फिर से ग्रो कर सकते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं उस मिल्क के अंदर, जैसे ही ऑप्टिमम कंडीशन मिलेगा हो सकता है फिर से वो ग्रो करना शुरू कर। नेक्स्ट, ठीक ना, बैक्टीरियोसाइडल मेथड, कुछ कुछ मेथड हम बता रहे हैं जो बोले हैं उसको फिर सिस्टमैटिक तरीके से बता रहे हैं। बैक्टीरियोसाइडल मेथड, बैक्टीरियोसाइडल कहने का मतलब अपने भोजन से बैक्टीरिया को किल करवा देना, गर्म करके करिए या फिर पास्चराइजेशन से करिए, है ना। बैक्टीरियोस्टैटिक मेथड, बैक्टीरियोस्टैटिक मेथड कहने का मतलब होगा बैक्टीरिया को ग्रो ना करने देना, बैक्टीरिया का ग्रोथ को रोक देना, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोस्टैटिक मेथड। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट मेथड, ठीक ना, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट मेथड, इसमें क्या करते हैं, गर्म करते हैं सडनली ठंडा करते हैं, यही चीज होता है। देखो पैस्चराइजेशन के बारे में यहाँ पे मेंशन है, ठीक ना, गर्म करेंगे 60 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 30 मिनट्स और 70 डिग्री फॉर 15 मिनट्स एंड सडनली कोल्ड करेंगे, देखो यहाँ पे सडनली चिल आउट कर देंगे, है ना। लो टेम्परेचर स्टोरेज है, -10 टू -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे फ्रूट्स को, एग्स को, मीट को स्टोर किया जाता है, ठीक ना, पहले तो नहीं लेकिन अब तो मटन वगैरह, चिकन वगैरह, ठीक ना, बीफ वगैरह शॉप में क्या किया जाता है, काट के बिक्री नहीं हुआ तो उसको फ्रिज में डाल दिया जाता है, बड़े बड़े सुबह बेचेंगे उसको, इस तरीके से किया जाता है। रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग फलों को सब्जियों को रखने के लिए ताकि सड़े ना। नेक्स्ट इज केमिकल मेथड, है ना, कुछ कुछ केमिकल डालते हैं, एडिबल ऑयल, ठीक ना, ये सबसे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते। चीनी डाल देंगे हम लोग, देख इसलिए देखते होंगे जो फ्रूट जैम्स होता है, स्क्वाश होता है, ये ज्यादा दिन तक चलता है, उसमें बैक्टीरिया नहीं लगते हैं जनरली। हनी में भी बैक्टीरिया नहीं लगता है जल्दी, क्योंकि हनी इतना कंसंट्रेटेड है, इतना कंसंट्रेटेड है, यदि हनी कंज्यूम करेगा बैक्टीरिया, है ना, तो उसके अंदर पानी भरना शुरू हो जाएगा, बस्ट करके मर जाएगा। प्रिजर्वेशन में कॉमन सॉल्ट अचार में डालते हैं हम लोग, और भी कुछ कुछ आप देखे होंगे घरों में, नमक डाल के लपेट के सुखा दिया जाता है धूप में, जिसके चलते माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लगता है। देखो यहाँ पे रो मैंगोस लिखा हुआ है, यहाँ पे आमला मैंगो डालते हैं हम लोग। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, ये भी किया जाता है, चीनी डाल दो, है ना, आप मुरब्बा बनाते हो घर पे या पेठा बनाते हैं हम लोग भतुआ का, वो ज्यादा दिन तक चलता है, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चीनी डाला हुआ है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, अचार में ऑयल डालता है, विनेगर भी डालते हैं हम लोग खाने पीने वाला सब्जी, खाने पीने वाला आइटम्स में, मम्मी से पूछेंगे शी विल टेल,
है ना, विनेगर डाल देंगे अचार में, या फिर प्याज रखिए, ठीक ना, प्याज में विनेगर डाल दीजिए। आप प्याज बहुत दिन तक स्टोर कर सकते हो और वो खाते समय प्याज इस्तेमाल कर सकते हो सलाद के तौर पे। होटल रेस्टोरेंट वगैरह में देखे होंगे, है ना, विनेगर में डाला हुआ रहता प्याज। यदि आपको देखना है तो जस्ट विजिट वंस दैट इज जिंजर रेस्टोरेंट, है ना, जिंजर में जाएंगे तो वो लोग सर्व करते हैं ओनियन, छोटे छोटे ओनियन सर्व करते हैं, ठीक ना, विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन और इमर्स्ड इन विनेगर। खट्टा लगता है, अच्छा लगता है टेस्ट उसका। प्रिजर्वेशन बाय रेडिएशन, है ना, कुछ खाने वाले सब्सटेंसेस को हम लोग अल्ट्रावायलेट लाइट रेस में ट्रीट कर देते हैं जिसके चलते बैक्टीरिया मर जाता है। स्टोरेज एंड पैकेजिंग, ठीक ना, ड्राई फ्रूट्स वगैरह या फिर ग्राम वगैरह को सुखा के और सील्ड पैक कर देते हैं, है ना, सील पैक कर देते हैं। कुछ कुछ जो डेड सीड्स होते हैं, लाइव सीड्स नहीं, जो डेड होते हैं उसको सील पैक कर देते हैं, उसी में पड़ा हुआ रहता है, है ना। बहुत सारे आप चीजें घर में आते होंगे, केन खोलते होंगे तब कंज्यूम करते होंगे, तो एक प्रिजर्वेटिव, ये एक प्रकार का स्टोरेज मेथड है। एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, क्या क्या एडवांटेजेस है इसके? एडवांटेज ये है कि स्पॉइलेज से हम इसको बचा रहे हैं, है ना, पीरियड फॉर इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड फॉर फूड मटेरियल। हम भोजन को 10 दिन में खाने वाले थे लेकिन प्रिजर्वेशन के चलते हम उसको 20 दिन खा सकते हैं, 20 दिन बाद भी खा सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही बार खा के खत्म करना है, है ना। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग ऑफ सीजन फूड मटेरियल। सही बात है, मान के चलो बरसात के समय में हमने फूड स्टफ बनाया, अब हम चाहते हैं उसको विंटर में खाएं, प्रिजर्व करके रख देंगे, विंटर में खाएंगे। जैसे अचार है, वी प्रिपेयर इट इन समर्स और हम चाहते हैं कि विंटर में खाएं, तो अचार को हम अच्छे से बना देते हैं, तेल नमक डाल के अच्छे से बनाते हैं, गर्मी में खाएंगे खाएंगे, ठंडी में भी खाएंगे। इट मेक्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल इजियर। अब मान चलो यूएस में एक प्रोडक्ट है, अब उसको भारत में लाना है ना, तो भारत में लाने के लिए उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा, स्टफ करना पड़ेगा उसको, नहीं तो हम डायरेक्ट पेड़ से तोड़ के लाएंगे, एनिमल को किल करके लाएंगे तो रास्ते में सड़ जाएगा। जैसे कि हम लोग रशिया को बीफ सप्लाई करते हैं, मीट सप्लाई करते हैं, है ना, तो या तो हम कैटल को ही सप्लाई कर दे, लाइव कैटल को सप्लाई कर दे, या फिर बीफ को स्लॉटर करें यहाँ पे, उसका मीट कन्वर्ट कर दें, मीट में बना दें, पीसेस काट दें और उसको पैक करके सप्लाई कर दें, ये भी एक तरीका है, ठीक ना। एक अभी टीवी में एडवर्टीजमेंट देखते होंगे आप लोग, टीवी में एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, अभी आजकल आ रहा है लिक्यूस करके, लिशियस, लिशियस एडवर्टीजमेंट देखे हैं लिशियस का, ये वाला एड देखे हो आप लोग, लिशियस देखे हो, ये वाला एड देखे हैं आप लोग इसका? हेलो, नो सर, लिशियस टीवी पे नहीं देखा है जी तुम लोग? टीवी पे आता है। दे आर व्हाट लिशियस एक्चुअली में? Yes, एक कंपनी है, हाँ ये कंपनी है एक्चुअली में, मीट सप्लाई करती है पैक करके, लिशियस इट सप्लाइज फिशेस, ठीक ना, मटन बीफ पोर्क ये सब सप्लाई करता है पैक करके ना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री सप्लाई कर सकते हैं। ये क्या है, प्राउन्स है, ठीक ना, सी फूड वगैरह सब सप्लाई करता है ये, ये तो चिकन दिख रहा है, यहाँ पे देखेंगे ये सब बीफ वगैरह भी होगा, दे आर रेड मीट, ठीक ना, बोन टू मीट, ठीक है, लिशियस। ठीक है, ये हो गया।
इट मेक्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. ठीक है, नाउ नेक्स्ट नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन साइकिल आप लोगों को पढ़ना है, इसको हम शॉर्टकट में निपटा दे या फिर इसको हम अगले क्लास में बताएं आप लोग को. नाइट्रोजन साइकिल हम डील करते हैं आप लोग के लिए अगले क्लास में, है ना. उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर कौन सा है, अरे यार कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ये तो आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा यार, इसमें हम क्या बताएंगे. नाइट्रोजन साइकिल बता देते हैं चलिए आप लोग को. ठीक है, इम्पोर्टेंट है ना, ये इम्पोर्टेंट है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. स्क्रीन देख पा रहे हैं ना, नाइट्रोजन साइकिल. ध्यान समझेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आता है जी. ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल, साइकिल का मतलब क्या होता है, साइकिल का मतलब ये होता है प्रोसेस जो कंटिन्यू चलता रहे, है ना, उसको हम लोग कहते हैं साइकिल. सो एटमॉस्फेयर के पास नाइट्रोजन है, ठीक ना, एटमॉस्फेयर हैज नाइट्रोजन इन मॉलिक्यूलर फॉर्म. है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नाइट्रोजन है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, है ना. पौधा इसको नहीं ले सकता, कैन नॉट एब्जॉर्ब बाय ग्रीन प्लांट्स एज सच, है ना. इट कैन, इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, नाइट्रेट और नाइट्राइट, ठीक ना, अमोनिया बना दे पहले, इसमें कन्वर्ट होना होगा अमोनिया में, तब जाके पौधा ले पाएगा, है ना. इस चीज को पौधा आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है, पौधा आसानी से इसको ले लेगा, ठीक ना, पौधा आसानी से इसको ले लेगा, नाइट्रोजन को नहीं ले पाएगा, डायरेक्ट नाइट्रोजन को ये नहीं ले पाता है, है ना. बट इट कैन एक्सेप्ट अमोनिया. So, करना क्या होता है, इस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट होना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. अमोनिया लेगा पौधा, लेने के बाद प्रोटीन बनाएगा, खुद बढ़ेगा, उस बढ़े हुए प्लांट को हम लोग खाएंगे, हम लोग ग्रो करेंगे, पौधा मरेगा, हम लोग मरेंगे, फिर से उसमें से नाइट्रोजन निकल कर एटमोस्फियर में चला जाएगा, ठीक ना. ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल, है ना. तो ये चार पांच स्टेप्स में कंप्लीट होता है, उसको हम लोग डील करते हैं, है ना, इस तरीके से. सी नाइट्रोजन, ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये. देखिए ये नाइट्रोजन क्या होगा, सबसे पहले कन्वर्ट होना है अमोनिया में, किसमें कन्वर्ट हुआ, अमोनिया में, ठीक ना. इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे अमोनिया, ठीक ना. इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन.
इस प्रोसेस को कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन. ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नेचुरली भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल भी हो सकता है और बायोलॉजिकली भी हो सकता है. ठीक ना, नेचुरली कहने का मतलब फिजिकली, नेचुरली फिजिकली थंडरिंग के चलते, लाइटनिंग के चलते, बरसात के समय लाइटनिंग होता है ना, तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है. लाइटनिंग के चलते नाइट्रोजन और वाटर आपस में टकराते हैं और अमोनिया बना लेते हैं, है ना. ये एक प्रोसेस हुआ. दूसरा प्रोसेस है हेवर्स प्रोसेस, ठीक ना, जिसको हम लोग इंडस्ट्री में बनाते हैं, फैक्ट्री में बनाते हैं. और एक प्रोसेस है, पॉपुलर प्रोसेस है, जिसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो साइनोबैक्टीरिया करता है, बैक्टीरिया करता है, राइजोबियम करता है ना. चलिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हुआ, नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गया नाइट्रेट में. अब क्या होता है, अमोनिफिकेशन होगा. दिस विल कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, ठीक ना. इट विल कन्वर्ट इनटू NO2 एंड NO3 माइनस, फाइन, नाइट्रेट और नाइट्राइट में. ठीक ना, नाइट्रेट एंड नाइट्रेट इसमें कन्वर्ट होगा. इसको हम लोग कहेंगे नाइट्रिफिकेशन, इस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग नाइट्रिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन है ना. अब क्या होगा, इसको पौधा इस्तेमाल करेगा, यूज्ड बाय प्लांट, इसको पौधा इस्तेमाल करेगा, यूज्ड बाय प्लांट टू ग्रो, है ना. इसको हम लोग एसिमिलेशन भी बोल सकते हैं. प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है, प्लांट कंज्यूम करेगा, प्लांट इस्तेमाल करेगा. इसको कंज्यूम करना है कौन, कंज्यूम बाय एनिमल्स, है ना. ओके, प्लांट डेड करेगा, प्लांट डेड करेगा या डेथ करेगा, है ना. ये भी क्या करेगा, मान के चलो डेथ करेगा, ये भी मरेगा, है ना. तो मरेगा तो यहाँ से निकलना है प्रोटीन, है ना. अब ये प्रोटीन क्या होगा, फिर से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है. इसको कहेंगे हम लोग अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन. दिस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन, फाइन. ये प्रोसेस चलता रहेगा. आगे और देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है. देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो मटेरियल्स है ना, ये मटेरियल्स, ये दिस, इट कैन बी फर्दर कन्वर्टेड इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. इसको हम लोग कहेंगे डीनाइट्रिफिकेशन. This step is called denitrification. Fine. इसको denitrification कहते हैं हम लोग. ठीक है. ये process इस तरीके से follow होता है. इसमें कोई doubt तो question आता है, what is nitrogen fixation? ठीक है. उसके बाद पूछेगा what is denitrification? ठीक है. उसके बाद और पूछ सकता है what is अमोनिफिकेशन, है ना. ये सब क्वेश्चंस आते हैं.
फिर से देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हुआ अमोनिया में, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेट मी राइट डाउन, ऐसे नहीं होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब फिक्सेशन की कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इंटू एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इंटू किसमें, अमोनिया में, इस कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। Okay, it can be achieved by, it can be done biologically by the use of rhizobium, ye important hai, rhizobium, nostoc, एनाबेना, ठीक है, एटीसी, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा लिखा हुआ है नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू अमोनिया into nitrate and nitrite, nitrite and nitrate, है ना? Okay, यहाँ पे हम बता रहे हैं, देखो अमोनिया है ना, कन्वर्ट हुआ सबसे पहले नाइट्राइट में, then to nitrate। यहाँ पे जो बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है वो हम बता रहे हैं, हाँ यहाँ पे जो बैक्टीरिया यूज होगा दैट इज नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस, इतने प्रकार के बैक्टीरिया लगते हैं। ठीक है, क्या क्या बैक्टीरिया का नाम लिया मैंने, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोसिस्टिस, नाइट्रोबैक्टर, ये सब बैक्टीरिया का इस्तेमाल होना है। नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोकोकस, है ना? और यहाँ पे जो लगना है दैट इज नाइट्रोसिस्टिस, नाइट्रोसिस्टिस, नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, याद करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक ना? यहाँ पे समोसा है और यहाँ पे कोको कोला है, ठीक है, समोसा और कोको कोला, ठीक ना? कौन कौन खा रहा है, सिस्टर और ब्रदर मिलके खा रहे हैं, याद करने का ट्रिक सही, नेमोनिक्स है, फाइन। इसको हम लोग कहेंगे अमोनिफिकेशन, सॉरी नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन बता रहा हूं यहाँ पे, अमोनिफिकेशन कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू अमोनिया, अमोनिया इंटू
sorry into ammonia, conversion of protein into ammonia by detritus from dead plant and animals. ठीक है, अमोनिफिकेशन, डीनेट्रिफिकेशन का मतलब होगा, ठीक है, रिसाइकलिंग बैक ऑफ और कन्वर्जन बैक ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक ना, एडिंग बैक द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ना इसको हम लोग कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, एडिंग बैक द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन. ना एग्जांपल दे रहा हूं बैक्टीरिया का, सिडमनास, थायोबैसिलस, ठीक है, दो बैक्टीरिया का नाम मैंने दिया यहां पे, सिडमनास और थायोबैसिलस, ठीक है, दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरिया कॉजिंग और गिविंग बैक द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फ्रॉम अमोनिया नाइट्रेट और व्हाटएवर मे बी एनी नाइट्रोजनस कंपाउंड. ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, ये हम शेयर कर दे रहे हैं आप लोग के साथ. ना अगले क्लास में हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बुकलेट में जितने भी नोट्स है आप लोग कवर कर लेंगे. ठीक है, हम साइन ऑफ कर रहे हैं, इतना तक ही रहने देते हैं. ठीक है, किसी को डाउट है अभी, कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो सर. ओके देन, ठीक है, नोट्स करेंगे और होमवर्क में हम दे रहे हैं आप लोगों को बुकलेट सॉल्व करने के लिए. ठीक है, ओके देन, ओके बाय बाय बाय.